बोरोन फाइबर्स आर यूज इन द मेकिंग द बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाते हैं इससे, आपने देखा कभी? ये सीन देखो एक बार, ये देखो यहां पर, ये आपके प्यारे मोदी जी है, ठीक है ना, दिख रहा है सबको ये? अब मोदी जी के ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, ये एनएसजी कमांडो है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है ये, है ना, इसके हाथ में ये आपको जैकेट दिख रही है? अटैची दिख रही है? अटैची सूटकेस लग रहा होगा आप लोगों को, ऐसा सूटकेस है ये, एक्चुअली में फटाक से ओपन हो जाता है, इट इज़ ए बुलेट प्रूफ जैकेट ये जो आपको दिख रही है ना, और इसमें मेन कंपोनेंट जो है वो बोरोन का ही होता है, ठीक है। इसमें मोदी जी की लाली लिपस्टिक नहीं है कि इसमें जो है मोदी जी का मेकअप का सामान है, परफ्यूम पड़ा है, रुमाल पड़ा है, लिपस्टिक पड़ी है ना, आईब्रो लाइनर पड़ा है, ऐसा नहीं है। साउंड काफ़ी है, आप अपने फ़ोन का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। देखिए ड्रेस चेंज करना पॉसिबल नहीं है, आप लोगों की जो फीस है उसको देखते हुए ड्रेस चेंज नहीं हो सकती, उस फीस में एक ही ड्रेस आ सकती है जो मेरे पास में है। अब अगर आप फीस बढ़ा सकते हैं तो मैं ड्रेस चेंज करूंगा। चलिए यहाँ देखते हैं, अब इस रिएक्शन को भी अपन लोग समझते हैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में। देखिए सिर्फ हमारे पास में, अरे वाह हेलो साक्षी, थोड़ा हमको साक्षी मान के हमको भी हेलो कर लो, हम तो तुम्हारे सामने साक्षात हैं, थोड़ा साक्षी हमें भी मान लो, थोड़ा साक्षी अपने माँ बाप को मान लो, थोड़ा साक्षी ऊपर वाले को भी मान लो, और शर्म कर लो थोड़ी सी। हेले सेक्सी गदेड़ो, बोरोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो स्टेबल। यार तुम लोग ये जगह क्यों पूछते हो, मतलब एनी वन फ्रॉम महाराष्ट्र साथ में लेके क्या किसान आंदोलन में पार्टिसिपेट करने का प्लान है कि भाई एनी वन फ्रॉम महाराष्ट्र आई एम गोइंग टू किसान आंदोलन, प्लीज़ कम टू मी, प्लीज़ कम विद मी, लेट्स गो टुगेदर। असम से प्यार है, थोड़ा पास ही दे दो प्यार, केमिस्ट्री से प्यार कर लो, असम से पाकिस्तान से बाद में प्यार दे देना, अब यहाँ देख लो थोड़ी देर। गदड़े कैचेस फ्लेम, अपने आप जल उड़ता है, मतलब अगर आपको पास में मान लो को सिगरेट पीनी है किसी दिन, और आपके पास में माचिस नहीं है, और आपके पास में सिर्फ डाई बोरेन है, चुटकी पर डाई बोरेन, तो जैसे जेब से बाहर निकालोगे उसके बाद आप आराम से पी सकते हो, इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तो मेरे हिसाब से अभी तक डाइबोरिन का फॉर्मेशन आपके दिमाग में क्लियर है, अगर क्लियर है तो प्लीज लेट मी नो ताकि मैं आगे चलूं। आई लव यू टू, थैंक यू सो मच, आई लव यू। अरे तुमको और कोई जगह नहीं मिली प्यार करने की, मतलब कोई गार्डन होता, कोई मतलब ढंग का हॉस्टल होता तो वहां ये सब चीजें सोचते ना क्लास में, आई लव यू, मतलब बोगो की कमी नहीं है दुनिया में। क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई, आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ देखो अब ये बन गया मेरे पास में, अब इसको थोड़ा सा हीट करते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं, हीट करते हैं इसको, थोड़ा सा हीट करेंगे ना प्यारे बच्चों, हीट करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये 1:2 में, मैं फिर कह रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिए मित्रों, मैं कह रहा हूं कि 1:2 आपको ध्यान रखना है, अगर 1:2 का रेशियो गड़बड़ा गया तो इनऑर्गेनिक बेंजीन नहीं बनेगा, उस केस में इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, दैट इज द रिएक्शन, ये एनसीईआरटी से, फिर मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद एसिड एंड बेस, ठीक है ना। देखो रिटेन कैसे रखना है, जैसे मैंने आपको समझाया है ना, आपके दिमाग माथे में, मतलब जो भी चीज है वो आपके दिमाग में आ गई, अब जैसे ही आपके दिमाग में आई उसके ऊपर उसको पकड़ लो, माथे को ऐसे पकड़ लो, उससे क्या होगा, वो चीज माथे से बाहर नहीं आएगी तो रिटेन रह पाएगी, ये रिटेन रखने का तरीका होता है। मतलब जब इसको मैंने समझाया चीज को, आपने कहा सर आगे समझ में, तो आगे तो रोक लो माथे को, ऐसे पकड़ लोगे माथे को तो चीज उससे बाहर नहीं आएगी, वहीं रिकी रहेगी और रिटेन आपको रह पाएगी। अगर आप माथे को मतलब दबोच लो फटाफट से, जैसे बात है अरे दबोच लिया, जैसे दबोच लो क्या होगा, चीज बाहर नहीं निकलेगी, यही तो काम करना है अपने को, दबोच लेना है माथे को, है ना। हाँ बस रिटेन कैसे करो, गदड़ो रिटेंशन का एक ही तरीका, रिविजन करो, वो बता देंगे तुम लोग, रिटेन नहीं रहती बेवकूफ लोग। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अब, हाँ हेलमेट लगा लो, ये छोरा सही कह रहा है, जैसे ही बात बात है मैं हेलमेट पहन लो, एयर टाइट हेलमेट है ना, बाहर नहीं जानी चाहिए कोई बात, ठीक है।
अब मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को, रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद एसिड एंड बेस।